यूपी के बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिले में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएमओ आवास पर सीएमओ का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं ने न सिर्फ प्रदर्शन किया है बल्कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सीएमओ आवास पर सीएमओ का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सीएमओ से बातचीत करते ये समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो जिले में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को दूर करने की मांग को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने आरोप लगाया कि जिले में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है और बलिया की जनता को मौत के हवाले करने के लिए सीएमओ ने तय कर लिया है। नारद राय ने यह भी आरोप लगाया कि जिले को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है सीएमओ को यह भी नहीं पता, यहां तक कि जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी चालू नहीं करा पा रहे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी एम्बुलेंस लाया गया था, जिनको बातचीत के बाद भर्ती कराने के लिए ले जाया गया। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक कल समाजवादी पार्टी के तरफ से यह फैसला हुआ था कि बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, यहाँ के अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हैं और जनप्रतिनिधि जो हैं उनका कोई इस पर ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए। आज आप लोगों ने देखा, बलिया के सीएमओ साहब को सुना भी आप लोगों ने, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब बलिया मौत के हवाले करने के लिए सरकार और यहाँ के सीएमओ ने तय कर लिया है। कोई दवाई का इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, यहाँ तक आपने देखा कि सीएमओ साहब यहाँ तक नहीं बता पाए कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितना ऑक्सीजन मिल रहा है। सीएमओ साहब ने ये भी नहीं बताने का काम किया कि यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर लगा हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार का, सीटी स्कैन लगा हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार का, डायलिसिस समाजवादी पार्टी का चल रहा है, RT-PCR के लैब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था उसको 1.5 साल में यह सरकार यहाँ के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग चालू नहीं कर पाया है। यह कह रहे हैं कि अभी प्रयास हो रहा है, इनका प्रयास बिल्कुल विफल है और इसके लिए समाजवादी पार्टी आज सांकेतिक तौर पर अपनी बात करने आई है। आगे इसकी रणनीति बना करके लड़ाई भी लड़ेंगे और बलिया के लोगों का जान भी बचाएंगे। ऑक्सीजन को लेकर इन्होंने क्या बताया, कितना ऑक्सीजन है, कितना उपलब्ध है, कितने तो की जरूरत देखा है? उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, गए घूम फिर के आए तो सिलेंडर बता रहे हैं, इतना बड़ा सिलेंडर इतना छोटा बोले पूरा कर सकते हैं। तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या कुछ चल रहा है? 11 पर ले जा रहे हैं, 11 पर हमारा सारा इंतजाम है। तो अभी 11 पर हम लोग चल रहे हैं, देखें 11 क्या है। अभी हमारे साथ जो मरीज आए हुए हैं दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस में गाँव से, उन लोगों को पहले हम लोग दवा के इंतजाम सरकारी अस्पताल में नहीं होगा तो प्राइवेट अस्पताल में भेज रहे हैं।